मैं एक कविता पढ़ता हूँ, एक बहुत छोटी सी कविता पढ़ना चाहता हूँ। एक छोटी सी घटना 3 साल मेरे जीवन में घटी है उड़ीसा में। एक रेलवे स्टेशन पर मैंने खड़े बच्चों को देखा प्लेटफॉर्म पर 11-12-13 साल के। केवल 5 मिनट लूंगा, मेरी बात सुन लीजिए बस। पूरी कविता पढ़ने में 5 मिनट लूंगा और आधी मिनट की ये बात है जिसलिए मैंने कविता लिखी। इर्शाद, 11-12-13 साल के बच्चे दिन भर प्लेटफॉर्म पर खड़े रहते हैं। मैं गुजरता था उधर से, पूछता था लोगों से, मन में जिज्ञासा होती थी क्यों खड़े। वो भीख नहीं मांग रहे होते थे, बूट पॉलिश नहीं कर रहे होते थे। एक बार मेरी ट्रेन खड़ी थी, मैंने रुक के पूछा एक लोकल आदमी से, क्या कर रहे हैं बच्चे यहां पर, क्यों खड़े हैं दिन भर। तो उसने मुझे घूर के देखा और कहा, बाबू जानना चाहते हो तो चाय पियो। मेरी जिज्ञासा और बढ़ी। मिट्टी के कुल्हड़ में वहां चाय मिलती है। मैंने एक कुल्हड़ चाय ली, चाय पी के कुल्हड़ प्लेटफॉर्म पे फेंक दिया, टूट गया वो कुल्हड़। उस कुल्हड़ के टूटे हुए टुकड़ों में चाय की बची हुई नमी चाटने के लिए मैंने बच्चों को दौड़ते हुए देखा। और जिस दिन से मैंने यह देखा, एक गहन वेदना मैंने मेरे भीतर जी। मैं एक विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, कानून का प्रोफेसर हूं, लेकिन मैंने 1.5 साल नहीं पढ़ाया, मैंने 1.5 साल दुनिया का आर्थिक विज्ञान पढ़ा। जो आंकड़े मेरे सामने हैं, सरकार के बड़े मंत्री यहां बैठे हैं वो जानते होंगे, हिंदुस्तान में 3 लाख लोग 1 साल में भूख से मरते हैं। हिंदुस्तान में पिछले 5 साल में 14,000 किसानों ने आत्महत्या की है। दुनिया के 1,000 अमीरों में हिंदुस्तान के कुल 26 लोग हैं और 26 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे जिंदगी जीते हैं। तब मैं एक गरीब आदमी के पक्ष में कविता पढ़ना चाहता हूं। मेरा गीत चांद है ना चांदनी है आजकल, ना किसी के प्यार की ये रागनी है आजकल। मेरा गीत हास्य भी नहीं है माफ कीजिए, साहित्य का भाष्य भी नहीं है माफ कीजिए। मैं गरीब के रुदन के आंसुओं की आग हूँ, मैं गरीब के रुदन के आंसुओं की आग हूँ। मैं भूख के मजार पर जला हुआ चिराग हूँ, भूख के मजार पर जला। कच्चे भाई डॉक्टर साहब क्या कहने, वाह 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 वाह। भूख के मजार पर जला हुआ चिराग हूँ। मेरा गीत आरती नहीं है राजपाट की, कसम साती आत्मा है सोए राजघाट की। मेरा गीत झोपड़ी के दर्दों की जुबान है, भुखमरी का आईना है आंसू का बयान है, भुखमरी का आईना है आंसू का बयान है। भावना का ज्वार भटा जिए जा रहा हूँ मैं, भावना का ज्वार भटा जिए जा रहा हूँ मैं। क्रोध वाले आंसुओं को पिए जा रहा हूँ मैं, मेरा होश खो गया है लोहू के उबाल में। कैदी होकर रह गया हूँ मैं इसी सवाल में, एक सवाल में कैद हूँ। और निवेदन करता हूँ देश के वो 50 करोड़ लोग जो रात को पेट भर रोटी खाते हैं, जिनका पेट भरता है रोटी से, रात भर इनके घर में रोटी इतनी है कि उनका पेट भर जाए, उनके दिल में आपको लगे कि यह सवाल चुभना चाहिए तो मैं पूरे सदन का आशीर्वाद मांगता हूं। आपको लगे कि यह सवाल हिंदुस्तान के हर उस दिल में चुभना चाहिए जिनको पेट भर रोटी मिलती है, सुनिएगा मेरा सवाल, बहुत छोटा सवाल है। और देश की सरकार के सामने सवाल रखता हूं, आपको लगे कि यह सवाल तो चुभना चाहिए तो मुझे आशीर्वाद दे दीजिएगा, मैं समझूंगा मेरा लखनऊ आना सफल हो गया। मैं भावना का ज्वार भट जिए जा रहा हूँ मैं, क्रोध वाले आंसुओं को पिए जा रहा हूँ मैं। मेरा होश खो गया है लोह के उबाल में, कैदी होकर रह गया हूँ मैं इसी सवाल में। आत्महत्या की चिता पर देख कर किसान को, आत्महत्या की चिता पर देख कर किसान को, नींद कैसे आ रही है देश के प्रधान को, नींद कैसे आ रही है देश, वाह वाह वाह, नींद कैसे आ रही है देश के प्रधान को। सोच कर ये शोक शर्म से भरा हुआ हूँ मैं, सोच कर ये शोक शर्म से भरा हुआ हूँ मैं, और मेरे काव्य धर्म से डरा हुआ हूँ मैं स्वयं को आज गुनहगार पाने लगा हूँ, इसलिए मैं भुखमरी के गीत गाने लगा हूँ। डर रहा हूँ इसलिए कि इंकलाब ला सकूं, झोपड़ी के अंधेरों में आफताब ला सकूं, झोपड़ी के अंधेरों में आफताब, झोपड़ी के अंधेरों में आफताब ला सकूं। इसीलिए देसी या विदेशी मूल भूल कर, इसीलिए देसी या विदेशी मूल भूल कर, जो अतीत में हुई है भूल 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 कर, पंचतारा पद्धति का पंथ रोक टोक कर, वैभवी विलासता को 1 साल रोक कर, मुझे मेरा पूरा देश आज क्रुद्ध चाहिए, मुझे मेरा पूरा देश आज क्रुद्ध चाहिए। झोपड़ी की भूख के विरुद्ध युद्ध चाहिए, झोपड़ी की भूख के विरुद्ध युद्ध चाहिए, झोपड़ी की भूख,
मेहरबानो भूख की व्यथा कथा सुनाऊंगा, मेहरबानो भूख की व्यथा कथा सुनाऊंगा, महज तालियों के लिए गीत नहीं गाऊंगा। शायद आप सोचते हो ये विषय फिजूल है, किंतु देश का भविष्य ही मेरा उसूल है। आप ऐसा सोचते हैं तो भी बेकसूर हैं, क्योंकि आप भुखमरी की त्रासदी से दूर हैं, क्योंकि आप भुखमरी की त्रासदी से दूर हैं। आपने देखी नहीं है भूखे पेट की तड़फ, आपने देखी नहीं है भूखे पेट की तड़फ, काल देवता से भूखे तन के प्राण की झड़प। मैंने ऐसे बचपनों की दास्तान कही है, मैंने ऐसे बचपनों की दास्तान कही है, जहां माँ की सूखी छातियों में दूध नहीं है, जहां माँ की सूखी छातियों में। मैंने ऐसे बचपनों की दास्तान कही है, मैंने ऐसे बचपनों की दास्तान कही है, जहां माँ की सूखी छातियों में दूध नहीं है, जहां गरीबी की कोई सीमा रेखा ही नहीं, जहां गरीबी की कोई सीमा रेखा ही नहीं। लाखों बच्चे हैं जिन्होंने दूध देखा ही नहीं, लाखों बच्चे हैं जिन्होंने दूध देखा ही नहीं। शर्म से भी शर्मनाक जीवन काटते हैं वे, शर्म से भी शर्मनाक जीवन काटते हैं वे, कुत्ते जिसे चाट चुके झूठन चाटते हैं वे। भूखा बच्चा सो रहा है आसमान ओढ़कर, माँ रोटी कमा रही है पत्थरों को तोड़कर, माँ रोटी कमा रही है पत्थरों को तोड़कर, माँ रोटी कमा रही है पत्थरों को तोड़कर, बिना प्राण के भूख भूख से माँ रोटी कमा रही है पत्थरों को तोड़कर। जिनके पांव नंगे हैं भी और तार तार हैं, जिनके पांव नंगे हैं और तार तार हैं, जिनकी सांस सांस साहूकारों की उधार है, वो जिनके प्राण बिन दवाई मृत्यु के कगार हैं, आत्महत्या कर रहे हैं भूख के शिकार हैं, आत्महत्या कर रहे हैं भूख। 3 लाख लोग जब देश में मरते हो तब लिखता हूं। बेटियां जो शर्म है या होती हैं जहान की, संस्कृति का देश है ये, 75,000 बार बालाएं अकेले बंबई में, सरकार ने रोक लगाई तो कहती है हमारा रोजगार है। बेटियां जो शर्म है या होती हैं जहान की, भूख ने तोड़ा तो वस्तु हो गई दुकान की, भूख ने तोड़ा तो वस्तु हो गई दुकान की, भूख का आस्थाओं का स्वरूप बेच देती है, निर्धनों की बेटियों का रूप बेच देती है, भूख कभी कभी ऐसे दांव बेच देती है। सिर्फ 2,000 में माँ बेटा बेच देती है, सिर्फ 2,000 में माँ बेटा बेच देती है, भूख आदमी का स्वाभिमान तोड़ देती है, आन बान शान का गुमान तोड़ देती है, भूख सुदामाओं का भी मान तोड़ देती है। और एक पंक्ति इतिहास से छीनी है, आपका समर्थन मांगता हूं, इतिहास रूटीना छीन के ले जाए। भूख आदमी का स्वाभिमान तोड़ देती है, आन बान शान का गुमान तोड़ देती है, भूख सुदामाओं का भी मान तोड़ देती है, महाराणा प्रताप की भी आन तोड़ देती है, महाराणा प्रताप की भी आन तोड़ देती है। भूख तो हुजूर पूरा नूर छीन लेती है, मजूरन की मांग का सिंदूर छीन लेती है, किसी किसी मौत पर धर्म कर्म भी रोता है। मैं अमरीका में था तो एक जानकारी मिली मुझे, मंत्री साहब हो सकता है आप तक ये जानकारी पहली बार पहुंचे, दुनिया में कुल 3 देश ऐसे हैं, केवल 3 देश दुनिया में, इथोपिया, सोमालिया और भारत, जहां गरीबों को मुर्दा बेचने का कानूनी अधिकार है। अगर किसी के घर में इतनी गरीबी है कि मुर्दा बेच के रोटी मिलती है, तो मुर्दा बेच सकने का कानून हिंदुस्तान में साउथ बिहार और उड़ीसा में पाया जाता है। दुनिया में केवल 3 देश हैं जहां मुर्दे बिकने की मंडी लगती है। तब सुनिए, किसी किसी मौत पर धर्म कर्म भी रोता है। और इस क्रोध को गाना चाहता हूं, आपका साथ मांगता हूं, आपको लगे इस क्रोध में मुझे कहने का हक है। किसी किसी मौत पर धर्म कर्म भी रोता है, क्योंकि क्रिया कर्म का भी पैसा नहीं होता है, घर वाले गरीब सुगम सहेज लेते हैं, बिना दाह संस्कार मुर्दा बेच देते हैं। फूक का धिक्कारता हूं मैं ऐसे विकास को, जो कफन भी दे ना पाए गरीबों की लाश को, जो कफन भी दे ना पाएगा। अंतिम छंद सुनिए जिसके लिए कविता लिखी। किसी किसी मौत पर धर्म कर्म भी रोता है, किसी किसी मौत पर धर्म कर्म भी रोता है, क्योंकि क्रिया कर्म का भी पैसा नहीं होता है, घर वाले गरीब सुगम सहेज लेते हैं, बिना दाह संस्कार मुर्दा बेच देते हैं। थूक का धिक्कारता हूं मैं ऐसे विकास को, जो कफन भी दे ना पाए गरीबों की लाश को, जो कफन। जिस दिन कविता पूरी की, कलकत्ता के पास बदनापुर में एक रात में 27 लोग भूख से मरे थे, जहां वामपंथियों की सरकार, एक रात में 27 लोग, कोई नहीं पहुंचा मदद के लिए। जानते हो कौन पहुंचा? कलकत्ता की वेश्याओं ने बैंकों से पैसा निकालकर ठेलों पर अनाज डालकर उस गांव में जाकर के अनाज बांटने की कोशिश की।
मैंने उस दिन ये कोशिश की, ये काम वैश्याओं का नहीं था, ये किसका काम था? कानूनी व्यक्ति होने के नाते मुझे बताना चाहिए। दुनिया में 16 देश हैं जहां लोग भूख से मरते हैं, और वो 16 देश हैं जहां भूख से मरने की सजा किसे मिले ऐसा कोई कानून नहीं। मैं उस कानून की मांग करता हूं, मंत्री महोदय के सामने करता हूं, और दावा करता हूं कि एक कानून हिंदुस्तान में बना दो जो मैं चाहता हूं, एक भी मौत भूख से नहीं होगी, ये दावा है मेरा। 611 कलेक्टर है हिंदुस्तान में, हर कलेक्टर के पास एक फंड है, कई राज्यों में उस फंड का नाम स्टारवेशन फंड है, भुखमरी कोष। सांसद को 2 करोड़ मिलता है विकास के नाम पर, एमएलए को 1 करोड़ मिलता है विकास के नाम पर, कलेक्टर का फंड और ये विकास निधि, और फिर भी कोई भूख से मर जाए। तो जिस कानून की आवश्यकता है उस कानून का समर्थन करना, कल संसद मेरी बात पहुंच जाएगी, मैं समर्थन मांगता हूं सुनिए। भूख का निदान झूठे वायदों में नहीं है, सिर्फ पूंजीवादियों के फायदों में नहीं है, भूख का निदान कर्णधारों से नहीं हुआ, गरीबी हटाओ जैसे नारों से नहीं हुआ, भूख का निदान प्रशासन का पहला कर्म है, भूख का निदान प्रशासन का पहला कर्म है, गरीबों की देखभाल सिंहासन का धर्म है, इस धर्म की पालना में जिस किसी से चूक हो उनके साथ मुलजिमों के जैसा ही सलूक हो, उनके साथ मुलजिमों के जैसा ही, इस धर्म की पालना में जिस किसी से चूक हो उनके साथ मुलजिमों के जैसा ही सलूक हो, भूख से कोई मरे ये हत्या के समान है, भूख से कोई मरे ये हत्या के समान है, हत्याओं के लिए मृत्यु दंड का विधान है, कानूनी किताबों में सुधार होना चाहिए, कानूनी किताबों में सुधार होना चाहिए, मौत का किसी को जिम्मेदार होना चाहिए, मौत का किसी को जिम्मेदार हो। और किसी पर कविता छोड़ देता तो मैं कहता हरिओम पवार। अब मेरा साहस देखना, किसी का नाम बता रहा हूं, मिले तो ग्रेबान पकड़ना। मेरे पास 1.5 साल की दुनिया की कानून पढ़ने के बाद लीगल सैंक्शन, ये बात कहने के लिए कौन जिम्मेदार है? समर्थन करो तो जी भरकर उस जोश में करना जिस जोश में गाने की मैंने हिम्मत की है, कविता सुनना। भूख से कोई मरे ये हत्या के समान है, हत्याओं के लिए मृत्यु दंड का विधान है, कानूनी किताबों में सुधार होना चाहिए, मौत का किसी को जिम्मेदार होना चाहिए, भूखों के लिए नया कानून मानता हूं मैं, भूखों के लिए नया कानून मानता हूं मैं, समर्थन में जनता का जुनून मानता हूं मैं, खुदकुशी या मौत का जब भुखमरी आधार हो, खुदकुशी या मौत का जब भुखमरी आधार हो, उस जिले का जिलाधीश सीधे जिम्मेदार हो, उस जिले का जिलाधीश सीधे जिम्मेदार, उस जिले का जिलाधीश सीधे जिम्मेदार। हिम्मत करो तो आगे करना इससे भी, ताकि मंत्री को लगे कि वो शायरों को कवियों को अगर प्रश्न देते हैं, हौसला देते हैं, तो पता चले कि कवियों को शायरों की सच्चाई को हौसला मिलना चाहिए। उस जिले का जिलाधीश सीधे जिम्मेदार हो, वहां का एमएलए एमपी भी गुनहगार है, क्योंकि ये रहनुमा चुना हुआ पहरेदार है, चाहे नेता अफसरों की लोभी आज क्रुद्ध हो, चाहे नेता अफसरों की लोभी आज क्रुद्ध हो, हत्या का मुकदमा इन्हीं तीनों के विरुद्ध हो, हत्या का मुकदमा इन्हीं तीनों के विरुद्ध, हत्या का मुकदमा इन्हीं तीनों के विरुद्ध हो। अब केवल कानून व्यवस्था को टोक सकता है, भुखमरी से मौत एक दिन में रोक सकता है, अब केवल कानून व्यवस्था को टोक सकता है, भुखमरी से मौत एक दिन में रोक सकता है, आज से ही संविधान में विधान कीजिए, 1-2 कलेक्टरों को फांसी टांग दीजिए, 1-2 कलेक्टरों